नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, बात करेंगे आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बढ़िया खबर आते हुए देखने को मिल रही है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो कि 5G का रोल आउट इंडिया में स्टार्ट करने की तैयारी कर रही हैं, साथ ही साथ जिनका ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ा हुआ काफ़ी बड़ा बढ़िया कारोबार है। देखिए, इसमें नाम है स्टरलाइट टेक का भी है, HFCL का भी और बिरला केबल का है। ये तीन कंपनियाँ जो है केबल को लेकर इंडिया में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। साथ ही अगर सबसे शानदार कंपनी मैं बताऊँ आपको जो कि स्टरलाइट टेक है, इसका फ्यूचर इतना ज़्यादा शानदार है कि ये स्टॉक जो है अपनी ऊँचाइयाँ छुएगा आने वाले समय में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके भैया अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम पिछले कई समय से उठा रही है, जिसमें पूरे गांव-गांव तक और हर स्थान तक जो है इंटरनेट को, ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। उसके चलते एक पॉलिसी गवर्नमेंट बनाने की जल्दी तैयारी कर रही है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को जल्द मंजूरी देने पर चर्चा की जाएगी। देखिए, ये चर्चा जल्दी ही स्टार्ट होने की संभावना है। आगे देखिए, इसमें बताया गया है कि नितिन गडकरी की अध्यक्षता में ये थोड़ी देर में बैठक होगी, यानी बैठक जो है आज की डेट में होनी थी। इसका क्या रिजल्ट आएगा वो देखेंगे, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ये स्टॉक जो है बहुत ही शानदार फोकस में आने वाले दिनों बनते हुए देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छा खासा इनका कारोबार बढ़ेगा अगर गवर्नमेंट के टेंडर लगातार इन्हीं कंपनियों को मिलते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, गवर्नमेंट को टेंडर लेने के लिए कंपनियां सफिशिएंट भी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा कारोबार है, साथ ही बहुत ही इनका जो एक प्रेजेंस है इंडिया में काफ़ी अच्छी खासी है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बिजनेस में। तो देखिए, बात करें स्टरलाइट टेक के आज के चार्ट की, बहुत ही दमदार तेज़ी स्टॉक ने बनाई है। 8.5% के गेन एक ही दिन में स्टॉक ने बना दिए हैं। पिछले दिनों में ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ है, सारे स्टॉक करेक्ट हुए हैं, तो ये भी हुआ है। और देखिए, बहुत ही कम ऐसे स्टॉक है जो पिछले मार्केट 5-7 दिन पहले जो मार्केट फ्लक्चुएट हुए थे उसमें करेक्ट नहीं हुए होंगे, बहुत कम है। बाकी अदरवाइज सारे के सारे काफ़ी ऊपरी स्तरों से निकलते हुए देखने को मिले हैं। 5 दिन में ये स्टॉक 3.5% करेक्टेड है, 1 महीने में 10.5%, 6 महीनों में 25% के गेन है इसके पास, ईयर टू डेट पर 46% और 1 साल की अवधि में 80% तक की तेज़ी स्टॉक के पास अभी भी बनी हुई है। अच्छा, साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि स्टरलाइट पावर जो किसी समय स्टरलाइट टेक के साथ ही जुड़ी हुई थी, बाद में सेपरेट हुई है, अलग से काम करती है, इसके IPO के लिए तैयारी की जा रही है। इसके IPO को रिस्पांस अच्छा मिलने की संभावना है। अगर बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छी लिस्टिंग होती है, तो स्टरलाइट टेक पर कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर आते हुए देखने को मिलेगा। तो देखिए, बात करें सबसे पहले मंथली चार्ट के बारे में, 2018 और 19 में स्टॉक करीब करीब 2017 के अंत में भी दिसंबर में ये स्टॉक जो है 400 रुपये के हाई लगाए थे। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होकर एक बहुत ही कम दाम में उपलब्ध हो रहा था पिछले साल। किसी ने इसको अगर ले लिया है तो भैया आपके लॉटरी लग गई है और लगने वाली भी है, क्योंकि स्टॉक पिछले 1 से 1.5 साल में 50 रुपये से लेकर 250, यानी 5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। और कंपनी इतनी दमदार है कि आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, आराम से इसको लंबी अवधि के लिए एक प्ले यहाँ पे कर सकते हैं। इवेंचुअली टारगेट जो ज़रूर आएंगे वो आएंगे 400 रुपये के, जो कि इसके लाइफ टाइम हाइज भी हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा, जल्दी नहीं आएंगे। अगली हर्डल की मैं बात बताऊँ, छोटी सी स्टॉक के पास जो है 275 रुपये की, अगर ये निकलती है तो फिर स्टॉक आपको अल्टीमेटली जो है थोड़ी और तेज़ी बनाते हुए देखने को मिलेगा, 290 तक जाएगा, उसके बाद अल्टीमेटली 300। ये टारगेट स्टॉक आने वाले दिनों में यहाँ पूरी करते हुए आपको देखने को मिलेगा। कोई बाय करना चाहते हैं लॉन्ग व्यू के साथ तो आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, अगले स्टॉक की बात करें, HFCL है। आज के दिन यहाँ भी 5% का जो है सर्किट देखने को मिला था। प्रीवियस क्लोजिंग स्टॉक की करीब करीब 59 के आसपास की थी, उसकी तुलना में स्टॉक थोड़ा सा ऊपर खुला था करीब 2 से 3% के गैपअप के साथ, और मार्केट के सेकंड हाफ में यहाँ पे आपको 5% का सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक भी काफ़ी करेक्टेड हो चुका है, 5 दिन में 5% गिरा हुआ है, 1 महीने में 14% करेक्टेड है, 6 महीने में इतना करेक्ट होने के बाद भी स्टॉक के पास अभी भी 6 महीने में 107% के गेंस बचे हुए हैं, ईयर टू डेट भी 138 और 1 साल की अवधि में देखेंगे 257% के गेन स्टॉक के पास है। और अभी भी प्राइस जो है इसका रीजनेबल ही है, यहाँ पे भी बाय का एक बढ़िया कैंडिडेट है, लेकिन व्यू थोड़ा लॉन्ग रखना पड़ेगा। मिनिमम 4 महीने से लेके मैक्सिमम आप जितना रख पाएँ 1-2 साल वो बेटर रहेगा। तो देखिए, मंथली चार्ट पे अगर दिखाऊं तो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइज ऑलरेडी रिसेंट ही बनाए हैं, पहले कोई स्टॉक के हाइज और कोई भी हर्डल नहीं, 95-96 के स्टॉक के हाइज हैं और वहां से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आपको करेक्टेड देखने को मिल रहा है। बाय के लिए एक बढ़िया मौका यहाँ ज़रूर बनाइए, आपको मिनिमम जो टारगेट है अगेन वही देखने को मिलने चाहिए जो कि स्टॉक के 90 की रेंज में आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें समय ज़रूर लगेगा थोड़ा, लेकिन इसको बाय इस प्राइस पर आराम से कर सकते हैं। एक बार स्टॉक इस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा 96 को, तो फिर 100 के लेवल के ऊपर भी स्टॉक जाते हुए देखने को मिलेगा।
तो देखिए, जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की एक न्यूज़ मैंने आपको बताई है, उसका एक बेनिफिट बिरला केबल भी होगा। काफ़ी बड़े ग्रुप की कंपनी है, बिरला ग्रुप की आखिर एक कंपनी है, कुछ दम तो है ही कंपनी में। 5% का सर्किट यहाँ भी आज की डेट में लगा है। प्रीवियस क्लोजिंग स्टॉक की 76 की थी, उसकी तुलना में स्टॉक करीब करीब जो है आपको डाउन, एक्चुअली डाउन खुलते हुए देखने को मिला था आज की डेट में, लेकिन अच्छी खबर के चलते आज तेज़ी बनी है। 5 दिन में पूरी इस तरह से बहुत करेक्टेड है, 12% गिरा है ये स्टॉक लगातार। 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा करेक्टेड दिखेगा, 25 से 26%। कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, Q1 के नंबर्स मैंने आपको जो है वीडियो बना के बताए थे, कई लोग पूछ रहे थे इसमें क्या करें। तो देखिए भैया, ऊपरी स्तरों पर बाय है तो होल्ड ही करिए, लॉस तभी लीजिए जब आपकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ जितना लॉस अमाउंट आपने किया है उतना का उतना आप किसी अदर स्टॉक से अगर प्रॉफिट बना पाएँ तब भी लॉस लेने में फ़ायदा है, अदरवाइज कैपिटल को तोड़ते जाना कोई समझदारी नहीं है। थोड़े थोड़े करते ही कैपिटल टूटता है, और एक दिन इतना ज़्यादा टूटता है कि इंसान का दिल टूट जाता है, फिर वो शेयर बाज़ार में कभी मुड़कर भी नहीं देखता है। लेकिन 6 महीने में देखेंगे, अभी भी स्टॉक के पास 30% के गेन है ईयर टू डेट पर 40 के, और 1 साल की अवधि में देखें तो करीब 26% के गेन स्टॉक के पास अभी भी हैं। तो देखिए, बात करें इसके आज के जो है मतलब डेली चार्ट, ये डेली चार्ट पे आप देखें स्टॉक करीब 120 के प्राइस से करेक्ट होकर आपको सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है, करीब करीब 72 और 3 के पास, जो कि आज ही स्टॉक ने लो लगाया था, और पहले भी स्टॉक ने यहाँ इस एरिया में जो है रेजिस्टेंस भी फेस किया है। नीचे से ऊपर जा रहा था तब, और ऊपर से नीचे जा रहा था तब, स्टॉक ने कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा इस प्राइस एरिया में किया हुआ है। तो इस एरिया में आराम से बाय करके लॉन्ग व्यू रखेंगे तो आपको अगेन इवेंचुअली स्टॉक जो है 90, 100 और 110 तक के टारगेट दिखाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। देखिए, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखें, ऐसा नहीं है कि आज चल गया तो लगातार स्टॉक चलेगा। स्टॉक ऊपर नीचे होना ही स्टॉक बाजार की फितरत है, और ये हमेशा होता रहा है, आगे भी होगा, लेकिन डरे नहीं, थोड़ा सा व्यू को लॉन्ग रखें और सीना थोड़ा सा टाइट रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है, रिटर्न अच्छा देगी। बात कर ली इस वीडियो में 3 स्टॉक के बारे में जो कि मेनली ऑप्टिकल फाइबर के बिजनेस काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन की तार जो है वायर्स केबल्स कंपनियाँ बनाती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।